हेलो एवरीवन, मेरा नाम अनुराग शर्मा है और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ किस प्रकार से हम माइक्रोसॉफ्ट का जो वाइट बोर्ड एक सॉफ्टवेयर है जो कि स्पेशली हम जैसे टीचर्स यूज़ कर सकते हैं, तो उसके बारे में कुछ मैं आपको फीचर्स बताने जा रहा हूँ। बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है, तो मुझे लगा कि मैं इसे खुद पर्सनली यूज़ करता हूँ टीचिंग में, ऑनलाइन टीचिंग में, तो मैंने समझा कि आपको भी मुझे इंट्रोड्यूस करना चाहिए। तो बहुत ही सिंपल है, इसमें 2019 जो आपका MS Word आ रहा है इसमें, और जो विंडो 10 है उसके साथ आपका एक, एक्चुअली मैंने अभी नया लैपटॉप लिया है तो मुझे भी अभी पता लगा कि वाइट बोर्ड एक माइक्रोसॉफ्ट का, ऐसे तो बहुत सारे ऐप सॉफ्टवेयर हैं जिसमें आप टीचिंग कर सकते हो, लेकिन इसमें एक माइक्रोसॉफ्ट का अपना पर्सनल आता है जो बहुत ही पावरफुल है, तो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले आपको सर्च बार में वाइट बोर्ड सिर्फ टाइप कीजिए तो आपको इस माइक्रोसॉफ्ट वाइट बोर्ड का एक ऐप आ जाएगा। ठीक है, जैसे आप इसे ओपन करोगे तो आपके सामने ये एक स्क्रीन आएगी। स्क्रीन सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ। यहाँ देखिए आपका जो जिससे भी आपका साइन इन है उसका आपका फ़ोटो आएगा, जिसको भी आप, मतलब आप जो भी साइन इन करोगे, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट का जो भी है। और मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले इसका जो बैकग्राउंड है इसको आप चेंज करने का, ठीक है, तो आप इसका बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन होता है फॉर्मेट बैकग्राउंड, ठीक, मैं हमेशा स्क्रीन ब्लैक रखता हूँ ब्लैक बोर्ड की तरह, तो आप इसकी स्क्रीन का कलर भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और स्क्रीन में भी कई सारे इसमें ऑप्शन आते हैं, ग्रिड बैकग्राउंड में है जिसमें कि आप इसमें डॉटेड इसको स्क्रीन रख सकते हैं, स्क्वायर है इसमें, ओके, ग्राफ अगर आप टीचिंग कर रहे हैं तो इसमें ग्राफ का भी ऑप्शन है, हाइब्रिड का भी ऑप्शन है इसमें, डायमंड का भी है, तो बहुत सारे इसमें दे रखे हैं, ट्रायंगल भी बेस भी दे रखा है। और अगर आपको लाइनिंग चाहिए तो आप लाइनिंग ले सकते हो जिससे कि आप अच्छी तरह से इसको टीचिंग कर सको, ठीक है। इसमें आप कलर कोई सा भी ले सकते हैं, येलो ले सकते हैं, ब्लू ले सकते हैं, जो भी आपका कलर हो। मैं हमेशा कलर जो लेता हूँ वो हमेशा ब्लैक लेता हूँ, ठीक है, इससे लास्ट में ब्लैक है, देखिए इससे काफ़ी अच्छा आपका जो आउटपुट आता है बहुत अच्छा आता है। और जो मैं कभी टीचिंग करता हूँ तो मैं सिंपल सॉलिड रखता हूँ, ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको रख सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास राइटिंग पैड है तो इट इज़ वेरी गुड फॉर यू, आप राइटिंग पैड से यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। देखिए जैसे मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ हेलो एवरीवन, ठीक है, तो जैसी आपकी राइटिंग होगी इसी प्रकार से आपका आउटपुट होगा, ठीक है। और आप कलर इसमें चेंज कर सकते हैं, देखिए यहाँ कई सारे कलर के ऑप्शन हैं, मैं जैसे येलो ले लेता हूँ, मैं लिख सकता हूँ आई एम अनुराग शर्मा, ये देखिए जैसी आपकी राइटिंग होगी वैसी आपकी राइटिंग इसमें राइट कर पाओगे, ठीक है। कलर्स में चेंज कर सकते हो और भी इसमें दो कई सारे दो इसमें कलरफुल इसमें आप ड्रॉ कर सकते हो, इसमें देखिए कई सारे इसमें कलर हैं, ठीक है, इसमें ये देखो बड़ा अच्छा कलर है इसमें और बहुत ही शाइनिंग वाले कलर हैं। जब आप इसकी रिकॉर्डिंग करोगे स्क्रीन तो आपका एक उभर के आते हैं कलर इसमें, ठीक है ना, तो ये कलर के इसकी आप जो ब्रिथ है इसकी आप कम ज़्यादा कर सकते हो, या अगर आप इसे कम करोगे, मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है, देखिए अगर आप इसकी ब्रेथ कम रखोगे तो आपकी ये बहुत ही थिन लाइन आएगी, ठीक है, और इसके थोड़ा आप बड़ा करोगे तो आप जो अपने अकॉर्डिंग इसको पतला मोटा कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए इसमें 4 साइज दे रखे हैं इस प्रकार से, ठीक है, तो ये आप अपना चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। कई सारे कलर हैं, वाइट भी है इसमें, ये देखिए काफ़ी अच्छी राइटिंग आती है, मेरे को काफ़ी प्रैक्टिस हो गई है, ठीक है। और राइटिंग के साथ इसमें नेक्स्ट जो है पेन, तो मैंने बता ही दिया आपको इसके बारे में, ठीक है, नेक्स्ट जो है इसमें लाइटर है, हाईलाइटर, तो आप इसमें कुछ भी इसमें देखिए हाईलाइट कर सकते हो कोई भी आपका टेक्स्ट हो, ठीक है, बहुत ही अच्छा है। हाईलाइटर के भी आप इसमें कलर चेंज कर सकते हैं और इसकी विड्थ चेंज कर सकते हैं, मत थिन या मोटा आप कर सकते हो उसको, ठीक है। ये एक आपका इरेजर है, ओके, देखिए जब इसे आप ईजिली स्मूथली आप इसे रन करोगे तो आपको बहुत सर्कल जो दिखाई देगा छोटा सा होगा, और जैसे ही आप इसे टाइटली इसे दबाओगे इसको तो ये बड़ा हो जाएगा, देखिए, तो अगर वो पूरा सा हटाना तो ये देखो पूरा हो जाता है, और जब आराम से करते हैं तो एक स्मॉल सर्कल होता है, और जब जैसे ही हम इसको प्रेस करते हैं ज़्यादा पेन को तो ये आपका काफ़ी बड़ा हो जाता है, ठीक है। एक रूलर है, ठीक है, लाइन ड्रॉ करने के लिए सबसे अच्छी वो है माउस के थ्रू, आप इसका जो एंगल है इसको चेंज कर सकते हो, देखिए मैं इसका माउस जो अभी इसका एंगल है
आपको आपके स्केल पे इसको अपना कर्सर रखना पड़ेगा, ठीक है, और अदरवाइज़ ये आपका बैकग्राउंड स्मॉल होगा, ठीक है, इसकी चेंज होगी, और जब स्केल पे रखोगे तो इसका एंगल चेंज होगा, ठीक है। इस पर देखिए ये बिल्कुल जीरो पे है, बिल्कुल स्ट्रेट है, और यहाँ पर आप बहुत ही ईजिली यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए देखिए, ओके। और अगर आपको बताना है कि 45 का जो एंगल है उसको आपको इसमें शो करना है, तो बहुत ही इजीली आप इसमें 45 का एंगल बना के और इसको यहाँ पर रख के देखिए, और यहाँ पर मैं देखो एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, देखिए, तो आप यहाँ पे इजीली बता सकते हो जो यहाँ पे ये एंगल बना है ये आपका 45 का है, ठीक है। तो जो मैथ वालों के लिए बहुत ही अच्छा टूल है ये, तो आप इसका स्केल का अच्छी तरह से यूज कर सकते हो। चलिए आगे बताता हूँ मैं इसको, ये लैसो सेलेक्ट है, आप इसमें कुछ ना भी आइटम जो सेलेक्ट करना चाहो इसमें सेलेक्ट कर सकते हो। देखिए ये पेन यूज़ करना पड़ेगा आपको, ये देखो मैं जितना भी करना चाहूँ उसको सेलेक्ट करके उसको कहीं भी ड्रैग कर सकता हूँ, ओके। देखिए करने के बाद और इसको मैं कहीं भी ड्रैग कर सकता हूँ एक साथ, ठीक है ना। काफ़ी अच्छे अच्छे इसमें फीचर्स हैं। और नेक्स्ट है इसमें देखिए ये टैक्स का है, ठीक है, आप इसमें टैक्स भी जो आप चाहे लिख सकते हो। तो मैं यहाँ लिख दूँ यहाँ पे एंगल 45, ओके। तो देखिए एंगल 45 आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा और आप इसको कहीं भी इसको ड्रैग कर सकते हैं। देखो जिस कलर से आप लिखना चाहो उसका कलर चेंज कर सकते हो, इसको बड़ा भी कर सकते हो आप और स्मॉल भी कर सकते हो। देखो ये काफ़ी अच्छा इस पर टूल है, और ये एंगल 45 हो गया, इसका कलर आप चेंज करना चाहो कलर चेंज कर सकते हो, बहुत ही इसमें होता है। लाइक करना चाहो लाइक कर सकते हो, और कुछ में एडिट करना चाहो एडिट भी कर सकते हो इसमें, ठीक है। टेक्स्ट में जब आप इसे यूज़ करोगे तो आपको अपना भी पता लग जाएगा इसमें क्या क्या है। कॉपी पेस्ट कर सकते हो, कॉपी पेस्ट और डिलीट करना चाहो डिलीट भी कर सकते हो, और मोर भी इसमें कट दे रखा है इसमें, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसके ये फीचर्स हैं। नेक्स्ट जो फीचर दे रखा है इसमें ये नोट का है, कुछ इसमें आपको स्पेशली नोट इसमें डालना हो, ठीक है, तो आप इसमें लिख सकते हैं टाइप्स ऑफ एंगल, टाइप्स ऑफ एंगल, ठीक है, और इसमें एक्स्ट्रा नोट भी आप लिख सकते हो। कई सारे इसमें दो ऑप्शन ही देगा आपको क्या लिखना चाह रहे हैं आप, ठीक है ना। देखिए कई सारे ऑप्शन हैं, आप इसे जब यूज़ करोगे तो अपने आप ही आपकी एक हैबिट बन जाएगी। और ये आपका एड नोट हो गया। आप इसमें इमेजेस का है, अगर आपको कोई इमेजेस अपने लैपटॉप से लेनी है कंप्यूटर से लेनी है तो ले सकते हो बिग इमेजेस, अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हो तो इसमें ऑनलाइन ले सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दूँ एक एप्पल लिख दिया मैंने, तो देखिए पूछेगा कि आपको क्या पूछ रहे हैं, तो आप एप्पल पर क्लिक कर देना, तो जितने भी ऑनलाइन आपके एप्पल के फ़ोटो होंगे इमेजेस होंगे वो यहाँ पर शो हो जाएंगे। आप कोई सा भी इसमें से एप्पल को क्लिक करके उसको एंटर कर सकते हो, ठीक है, और इस पर जो भी आप अपनी कलाकारी करना चाहो तो इसमें कलाकारी कर सकते हैं। देखिए इसमें देखिए दिस इज ए एप्पल, तो आप स्मॉल स्टूडेंट्स को भी इसमें अच्छी तरह से टीचिंग कर सकते हैं। इसमें ऑनलाइन पिक्चर लेने के लिए बहुत इजी है, इसमें मैं इसको हटा देता हूँ। और देखिए पिक्चर्स में आप कंप्यूटर से भी है इसमें, ठीक है, लाइब्रेरी मीन्स अपने लैपटॉप में लेना जाता, मैंने यहाँ से ले लिया एक अपने इससे, और इस पर ये आपको जैसे आप इसको बड़ा भी कर सकते हो, ठीक है, और इसको मैं अगर करना चाहूँ कि देखो ये वाला जो व्यू है ये जो है ये टॉप व्यू है, ओके, और ये इसका साइड व्यू है, ठीक है। तो इस प्रकार से मैं आपको एक्सप्लेन भी कर सकता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा इसमें ये वाला जो है, ठीक है, और भी देखो इसमें कई सारे हैं, पेस्ट करने का है, इमेजेस का बताई दिया है, टेक्स्ट आप इसमें एंटर कर सकते हो, नोट कर सकते हो, नोट ग्रिड लिस्ट फॉलो अप कर सकते हो, टेम्पलेट इसमें डाल सकते हो, कोई भी बिग इमेज हो गया है, कैमरा है इसमें, अपनी पर्सनल कोई वीडियो फोटो क्लिक करके डालना चाहो तो देखिए इसमें आपको कोई फ़ोटो दिखेगी बड़ी ईजिली, ठीक है, तो इसमें आप फ़ोटो खींच के जैसे आप क्लिक करते हो और ये डन करते हो तो ये पिक्चर यहाँ पर आ जाएगी और आप इसको किस प्रकार से भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए और देखते हैं क्या क्या है इसमें। कैमरा हो गया, पीडीएफ कोई फाइल है, अगर आपको कोई पीडीएफ फाइल है इसमें एंटर करनी है
और इसको एक्सप्लेन करना है, बहुत सारी टीचिंग भी होती है, कोई असाइनमेंट है, कुछ भी है, तो आप इसको इंसर्ट कर सकते हो और देखिए यहाँ पे इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखिए देखिए ठीक है ना, देखिए कुछ भी इसमें टाइप कर दीजिए। ओके, ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसमें इसमें आप इंसर्ट में आप आपका पीडीएफ भी है, वर्ड डॉक्यूमेंट्स भी और पावर पॉइंट भी है, तीनों में से आप कोई सभी इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये तो हो गया आपका साइट टूल के बारे में, और ये आपका एक अंडू का है लास्ट में ऑप्शन, इसको भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई वो हो मिस्टेक, अदरवाइज आप तो लैपटॉप से यूज़ कर रहे हैं, लैपटॉप में भी होता है ऑप्शन। अब देखिए यहाँ पे आ जाते हैं एक सेटिंग मेनू में, सेटिंग मेनू में देखिए एक्टिव पेन है, अगर आपके पास राइटिंग पैड है तो उसके लिए होता है। ठीक है, ये हमेशा एक्टिव ही रहता है अगर आप पेन यूज़ कर रहे हैं। इन टू शेप का है, सपोज करो कि आप कोई शेप बनाना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर जस्ट आप यहाँ पर ड्रॉ करोगे, ठीक है, तो वो एक सर्कल की शेप ले लेगा। देखिए मैं यहाँ पर ट्रायंगल बना चाहूँ तो ये ट्रायंगल की शेप ले लेगा। ठीक है, जैसे भी आप इसमें ड्रॉ करोगे वो उसी की शेप में लगभग उसको फॉर्म में चेंज कर देगा। देखो तो ये बहुत अच्छा टूल है, बिना कुछ मैंने इंसर्ट किए अपने हाथ से ही सारे सारे मैंने इसमें बना दिया। आप यहाँ पर शो कर सकते हो कि सर्कल हो गया, ठीक है, ये आपका ट्राइंगल हो गया, ठीक है, ये भी आपका एक राइट ट्राइंगल हो गया। ठीक है, इस प्रकार से ये आप इसमें शो कर सकते हो। देखिए ये मैथ पढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छा यूज़ होता है इसमें, तो आई लव दिस। मुझे लगा कि इसको शेयर करना चाहिए, तो इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ। इंक टू टेबल है, टेबल बनाने के लिए यूज़ होता है। इसमें ऑब्जेक्ट स्नैपिंग कर सकते हो, कोई आपका फ़ोटो है इसको अगर आपको मतलब आपने कुछ भी ड्रॉ किया है, कुछ भी नोट्स बनाए और उसको आपको फ़ोटो ऐसे बनाना है, जैसा कि मैंने यहाँ पे सपोज करो मैंने अपने यहाँ पर सिग्नेचर किए, ये देखिए, और आप चाहते हो कि एक फ़ोटो बन जाए, तो इसको जस्ट आपको यहाँ करना है, एक्सपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट में इमेजेस भी आना है और इमेजेस पे आपको साइन कर देना है यहाँ पे, तो ये आपका पीएनजी में सेव हो जाएगा। देखिए ठीक है, अब आप देखेंगे इसको यहाँ पर, देखिए साइन आपका एक यहाँ पर सेव हो गया, हो गया नहीं हो गया, कितना अच्छा है। तो आप एक डिजिटल सिग्नेचर अगर करना चाहो तो वो भी आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक्सपोर्ट का हो ही गया है, फॉर्मेट बैकग्राउंड में बताई दिया है, टूल बार लोकेशन आपको जो मैं टूल बार आ रही है कहाँ रखनी है, लेफ्ट रखनी है तो लेफ्ट आ जाएगी, राइट रखनी राइट आएगी, बॉटम रखनी है बॉटम आ जाएगी। ठीक है, मैं हमेशा राइट रखता हूँ उसको। ठीक है, तो ये अच्छा ऑप्शन है, और जैसे भी आपने कुछ भी यहाँ पर राइट वाइट किया और आप चाहते हो कि इसको बिल्कुल क्लियर करना चाहते हो उसको, यहाँ क्लियर कन्वर्स कर देंगे तो वह अपना हट जाएगा। तो ये सब कुछ फीचर्स थे इसके, और भी इसमें जब आप इसे यूज करोगे तो आपको पता लगती चली जाएगी इसमें। ओके, और आप इसमें कितना भी लिख दो, ठीक है, ये पेज उतना ही इंक्रीज होता चला जाएगा। आप इसको यहाँ पे यूज करोगे, ठीक है, ये फिर और ऊपर पहुँच जाएगा। और देखिए ये इससे ऊपर नहीं पहुँच रहा है ना, लेकिन जब आप यहाँ पर लिखेंगे इसे यहाँ यूज करेंगे तभी आराम से ऊपर ड्राइव हो जाएगा। देखिए तो ये आप इस तक कितना भी यूज़ कर सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है। देखिए ओके, तो मैंने देखो कितना सारा इसमें लिख दिया है, मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ये देखिए ये पेज का मैंने कितना सारा लिखा था, देखो मैं छोटा करके दिखा रहा हूँ 30% पे, और जब इसे बड़ा करूँगा ये देखिए, तो मुझे लगता नहीं है कि टीचिंग के लिए इससे बेस्ट कोई आपको ऐप मिल सकता है। और इस वीडियो में इतना ही, तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, अगर आप लगता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है इस वीडियो से तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर देना। अब इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।